अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव वेरिएंट्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। सब्जेक्ट हमारा क्रिटिकल थ्योरी है। प्रीवियसली हम लोगों ने क्रिटिकल थ्योरी के बहुत से लेक्चर्स को कवर कर लिया हुआ है, और लास्ट लेक्चर हमारा पावर नॉलेज फोको के ऊपर था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जितने भी क्रिटिकल थ्योरी के लेक्चर्स हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू, विच इज़ कंस्ट्रक्टिव वेरिएंट्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ क्रिटिकल थ्योरी? हम लोगों ने बहुत दफ़ा इस टॉपिक के ऊपर बात की है। एक दफ़ा मैं फिर से इसको रिकॉल करवा दूँ आपको कि क्रिटिकल थ्योरी होता क्या है। क्रिटिकल थ्योरी बेसिकली एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसी फिलोसॉफिकल और सोशल थ्योरी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सोसाइटी के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर होते हैं, जो सोसाइटी के अंदर पावर का रोल होता है, उसको एनालाइज करते हैं हम, उसको क्रिटिक करते हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें जो सोसाइटी है और कल्चर है और उसके अंदर जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, जो रोल ऑफ पावर है, उसको क्रिटिक किया जाता है। यानी देखा जाता है कि कैसे पावर जो है वो सोसाइटी के अंदर ऑपरेट कर रही है, और फिर फर्दर मोर कैसे सोसाइटी के अंदर जो है सोशल जस्टिस लाया जा सकता है। ये सब कुछ हम लोग क्रिटिकल थ्योरी में देखते हैं, और हमें पता है कि क्रिटिकल थ्योरी 1920s के राउंड अबाउट स्टार्ट हुई थी, 1930s के राउंड अबाउट तक ये चली थी। मीन्स से दैट कि 1920 से 1930s के राउंड अबाउट ये इमर्ज्ड हुई थी। ठीक है, इस ड्यूरेशन में ये इमर्ज्ड हुई थी, और किसके रिस्पांस में? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपहील चल रहे थे जो उस टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड के रिस्पांस में, फेलियर ऑफ कैपिटलिज्म के रिस्पांस में, राइज ऑफ फैशिज्म के रिस्पांस में ये क्रिटिकल थ्योरी आई थी। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव वेरियंट्स क्या होते? फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज़ वेरियंट्स? वेरियंट्स कहते हैं हम लोग फॉर्म्स को, अल्टरनेटिव को। और कंस्ट्रक्टिव वेरिएंट्स मतलब वो वेरिएंट्स जिन्होंने हेल्प आउट किया क्रिटिकल थ्योरी के लिए, क्रिटिकल थ्योरी को बनाने के लिए हेल्प आउट किया, क्रिटिकल थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्प आउट किया। तो कंस्ट्रक्टिव वेरिएंट्स क्या होता है? इसमें एक पार्टिकुलर थ्योरी या अप्रोच की अडेप्टेशन की जाती है, जिसका मकसद क्या होता है, टू मूव बियॉन्ड मेयर क्रिटिक एंड एनालिसिस, और फोकस करना किसके ऊपर, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, जो अल्टरनेटिव है एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स के और पावर रिलेशंस के, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना। और क्रिटिकल थ्योरी के अंदर जो कंस्ट्रक्टिव वेरिएंट्स हैं उनका क्या रोल था? उनका रोल बेसिकली ये था कि जो भी सोशल इश्यूज हैं और जो सोशल जस्टिस है वो प्रमोट की जाए, सोशल इश्यूज को एड्रेस किया जाए प्रैक्टिकल वेज में। क्लियर? तो ये कंस्ट्रक्टिव वेरिएंट्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। अब हम देखते हैं जी हमारा जो मेन लेक्चर है उसकी तरफ, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे की टर्म्स थे कंस्ट्रक्टिव वेरिएंट्स और क्रिटिकल थ्योरी, इसको तो अंडरस्टैंड कर लिया है। अब स्क्रीन पे देखिए जी, कहते हैं जी क्रिटिकल थ्योरी इज अ सोशल थ्योरी दैट एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पावर रिलेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, particularly with regard to issues such as class, race, gender and sexuality. While critical theory is known for its focus on critique and deconstruction of dominant narratives यानी जिनके पास power होती है, there are also constructive variants of critical theory that aim to provide alternative and solutions. अब यहाँ पर क्या बताया गया, कहा गया कि जो critical theory है basically एक social theory है जो कि एम्फसाइज करती है पावर रिलेशंस के ऊपर और उनका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उनके ऊपर, जिसमें हम लोग जो इश्यूज होते हैं जैसे कि क्लास की बात हो जाती है, रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी, इन सब को डिस्कस करते हैं। और क्रिटिकल थ्योरी फेमस क्यों है? क्योंकि क्रिटिकल थ्योरी का फोकस बेसिकली होता है जितने भी डोमिनेंट नैरेटिव हैं उनको क्रिटिक करना, उनको डीकंस्ट्रक्ट करना। और कहते हैं जी देयर आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव वेरियंट्स ऑफ क्रिटिकल थियरी दैट एम टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स एंड सॉल्यूशंस, कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव वेरियंट्स हैं क्रिटिकल थ्योरी के, जिनका मेन फोकस क्या है कि अल्टरनेटिव्स और सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, मतलब जो सोशल जस्टिस है उसके बारे में बात करें। और वो कौन कौन से हैं? हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव वेरियंट्स ऑफ क्रिटिकल थियोरी। नंबर वन है जी PAR, जिसको पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च क्या होता है?
ये बेसिकली एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसके अंदर कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जाता है, कैसे उनको रिसर्च प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, और उनको रिसर्च प्रोसेस के अंदर जब इन्वॉल्व किया जाता है तो जो उनकी इनपुट होती है उनकी इनपुट से जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस डेवलप किए जाते हैं। स्क्रीन पे देखें जी, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च यानी कि PAR इज़ अ रिसर्च मेथड दैट एम्स टू एम्पावर कम्युनिटीज बाय इन्वॉल्विंग दैम इन द रिसर्च प्रोसेस एंड यूजिंग देयर इनपुट टू डेवलप सॉल्यूशंस टू द सोशल प्रॉब्लम्स। PAR इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल हैव वैल्यूएबल नॉलेज। ठीक है, क्या इसका मोटो है कि जो लोग हैं उनके पास वैल्यूएबल नॉलेज है, उनका अपने एक्सपीरियंस को लेके एक डेप्थ इंसाइट होता है, और उनके इस नॉलेज को लेके जो रिसर्च प्रोसेस है उसमें उसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जी PAR इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल हैव वैल्यूएबल नॉलेज एंड इंसाइट अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड दैट दिस नॉलेज शुड बी यूटिलाइज इन द रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, कि जो लोगों का नॉलेज है उसको रिसर्च प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज किया जाना चाहिए। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एम्पावर किया जाता है, उनको रिसर्च प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, और उनके इनपुट से जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं। अब पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च के बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेटिव जस्टिस। अब ये ट्रांसफॉर्मेटिव जस्टिस क्या है, इसमें बेसिकली फोकस किया जाता है हीलिंग के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, मीन्स टू से दैट कि किसी पर्सन ने कोई भी हार्म किया है उसको पनिशमेंट देने की बजाय हीलिंग और अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाया जाए, रिस्पेक्ट की तरफ जाया जाए, एम्पथी की तरफ जाया जाए। ठीक है, तो मीन्स टू से दैट यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट और एम्पथी की बात की जाती है। अब स्क्रीन पे देखिए, ट्रांसफॉर्मेटिव जस्टिस इज़ अ फ्रेमवर्क दैट एम्फसाइजेज हीलिंग एंड अकाउंटेबिलिटी रदर देन पनिशमेंट इन रिस्पॉन्स टू हार्म। इट सीक्स टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ एम्पथी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट दैट कैन प्रिवेंट हार्म फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। ट्रांसफॉर्मेटिव जस्टिस रिकॉग्नाइजेज द ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम्स often reinforce existing power imbalances and perpetuate harm rather than preventing it। यानी यहाँ पे कहा गया कि जो ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम चलता आ रहा है उसके अंदर पनिशमेंट दी जाती है, उसके अंदर हार्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसके अंदर सजाएं दी जाती हैं, वो जिनके पास पावर है वो पावर वाले लोग सजा दे रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि पावर वाले लोग सजा ना दें, होना क्या चाहिए कि रिस्पेक्ट हो, एम्पथी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक है, ये था ट्रांसफॉर्मेटिव जस्टिस। अब इसके बाद नेक्स्ट है वो है CRT, क्रिटिकल रेस थियोरी, जिसकी इमर्जेंस राउंड अबाउट 1970s एंड 1980s में हुई थी। और इसमें फोकस किसके ऊपर किया जाता है, इसमें रेस को देखा जाता है, लॉस को देखा जाता है, देखा जाता है रेसिज्म को, कि कैसे सोसाइटी के अंदर जो रोल ऑफ रेस है, रेसिज्म है, वो किस तरह प्रिवेल कर रहा है, लो का क्या रोल है वो देखता है CRT। और फिर बात किस चीज़ की करता है कि जितनी भी रेसिस हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाए, मार्जिनलाइजेशन को ख़त्म किया जाए। तो क्रिटिकल रेस थियोरी CRT इज़ अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दैट एग्जामिन्स द रोल ऑफ रेस एंड रेसिज्म इन सोसाइटी एंड द लॉ। CRT एम्फसाइज़ द नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रूट्स ऑफ रेसिज्म इन ऑर्डर टू एड्रेस इट इफेक्टिवली। Constructive variants of CRT emphasizes the importance of using this understanding to develop strategies for promoting racial equality and justice. Clear? कि वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये racism शुरू कहाँ से हुआ, इसकी historical, इसकी institutional roots को देखा जाए और देखे किया जाए कि जो भी racial system चलता आ रहा है, जो भी race चलती आ रही है, उन सबको equality provide की जाए, justice provide किया जाए। ये बात करती है जी CRT यानी कि क्रिटिकल रेस थ्योरी, विच इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव वेरियंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास जी इंटरसेक्शनैलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें ओप्रेशन की बात की जाती है कि कैसे रेसिज्म आ गया, सेक्सिज्म आ गया, होमोफोबिया आ गया, इन सब को इंटरसेक्ट करके कैसे इनको मार्जिनलाइज किया जाता है, इनको ओप्रेस किया जाता है। तो बेसिकली जो इंटरसेक्शनैलिटी है वो बात ही यही करता है कि जितने भी जो ओप्रेशन है, फॉर्म ऑफ ओप्रेशन,
कहाँ पे किया जा रहा है, रेसिज्म पे किया जा रहा है, सेक्सिज्म पे किया जा रहा है, होमोफोबिया पे किया जा रहा है, इनको देखा जाए, इनको अंडरस्टैंड किया जाए, इनको स्टॉप किया जाए। और इसके अलावा इंटरसेक्शनली ये भी बताती है कि कौन कौन सी जगहों पे ऑपरेशन किया जा रहा है और इनके कॉज क्या हैं और कैसे इन ऑपरेशन को स्टॉप किया जा सकता है। तो स्क्रीन पे देखें जी, इंटरसेक्शनैलिटी इज़ अ फ्रेमवर्क दैट रिकॉग्नाइजेज द वेज इन विच डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन सच एज रेसिज्म, सेक्सिज्म एंड होमोफोबिया इंटरसेक्ट एंड कंपाउंड वन अनदर। Constructive variants of intersectionality seek to use this understanding to develop strategies that address multiple forms of oppression simultaneously. इस तरह से ही एक और वेरियंट है विच इज़ क्वेर थ्योरी। अब क्वेर थ्योरी में क्या होता है, बेसिकली ये 1980s से 1990s के राउंड अबाउट में इमर्ज हुई थी, जिसके अंदर जो नॉर्म्स ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी हैं किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर, वो देखा जाता है। जो सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स चल रहे हैं और जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ये क्वेर थ्योरी उसको चैलेंज करती है और क्या कहती है जी कि जो डाइवर्सिटी और डिफरेंस है उसको सेलिब्रेट किया जाए, मार्जिनलाइजेशन के ऊपर कोई फोकस ना हो, एसिमिलेशन के ऊपर फोकस ना हो। मीन्स टू से दैट कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो क्वेर थ्योरी होती है उसका फोकस किसके ऊपर होता है, सोसाइटी के अंदर किस तरह से नॉर्म्स जो है जेंडर को लेके और सेक्सुअलिटी को लेके क्रिएट किए गए हैं उसके ऊपर होता है, कैसे उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है उस पर भी फोकस होता है। और क्वेर थ्योरी कहती है कि सेलिब्रेशन की जाए किसकी, डाइवर्सिटी और डिफरेंस की। मीन्स जो नॉर्म्स जेंडर को लेके क्रिएट किए गए हैं, सेक्सुअलिटी को लेके क्रिएट किए गए हैं, उनको ऑप्रेस ना किया जाए, उनको उनके राइट दिए जाए, उनको डाइवर्सिटी प्रोवाइड की जाए, उनको डिफरेंस प्रोवाइड की जाए, उनको मार्जिनलाइज ना किया जाए, ये कहती जी क्वेर थ्योरी। इस तरह से ही हमारे पास जो है एक और कंस्ट्रक्टिव वेरिएंट, वो है फेमिनिस्ट थ्योरी। अब बेसिकली जो ये फेमिनिस्ट थ्योरी है इसका भी क्वेर थ्योरी से मिलता जुलता रोल है, ये भी जो जेंडर के नॉर्म्स हैं सोसाइटी ने जो क्रिएट किए हुए हैं उनके बारे में बात करती है, किस तरह सोसाइटी से सोसाइटी के अंदर जो जेंडर को लेके नॉर्म्स इनइक्वालिटीज बेस्ड रखे गए हैं उनके बारे में बात करती है और एम्फसाइज करती है कि जो वेमेन हैं उनको राइट्स दिए जाएं, जो जेंडर हैं उनको राइट्स दिए जाएं और जो वेमेन हैं उनको मार्जिनलाइज ना किया जाए। क्लियर? तो ये कुछ कंस्ट्रक्टिव वेरिएंट्स थे जिन्होंने क्या किया, मतलब इन थ्योरीज के अंदर हम लोगों ने देखा कि उन्होंने जो सोसाइटी के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे उनको देखा और उन मल्टीपल प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस थे उनके बारे में बात की थी। तो ओवरऑल कंस्ट्रक्टिव वेरिएंट्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी सीक टू मूव बियॉन्ड क्रिटिक एंड डीकंस्ट्रक्शन टू डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर एड्रेसिंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिंग मोर इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटीज। जस्ट सोसाइटीज मतलब वो सोसाइटी जो कि जस्टिस बेस्ड हो। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा विच इज़ कंस्ट्रक्टिव वेरिएंट्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।